तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी एक वेक्टर का ही सवाल है। तो अगर ये वेक्टर का सवाल है तो इसको कहते हैं कि दो फोर्स है, F1 है ठीक है, वो एक न्यूटन का है और दूसरा वाला जो फोर्स है वो 2 न्यूटन का है, और ये 1 न्यूटन और 2 न्यूटन का फोर्स ये किधर लग रहे हैं, एक्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, अलॉन्ग द लाइन एक्स इक्वल टू जीरो। देखो अगर तुम देखोगे तो ये वाली जो लाइन होती है एक्स एक्सिस, ये ऐसी लाइन होती है जिसपे वाई की वैल्यू जीरो होती है, तो एक फोर्स तो इधर लग रहा है, और ये जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है ये एक ऐसी लाइन होती है जो एक्स की वैल्यू सारी जीरो रखता है ठीक है, एक्स की वैल्यू सारी जीरो रख, तो एक फोर्स किधर लग रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो एक फोर्स जो है एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग 1 न्यूटन का लग रहा है, तो एक्स इक्वल टू जीरो तो ये F1 इधर लग रहा है ठीक है, और वाई इक्वल टू जीरो मतलब 2 न्यूटन का, वाई इक्वल टू जीरो मतलब ये इधर लग रहा है, दैट इज F2। तो अगर पैरेललोग्राम लॉ से देखोगे तो यहाँ से इनका जो नेट रिजल्टेंट आएगा F, वो ऐसे आएगा, और उसकी वैल्यू होगी F1 वेक्टर ठीक है प्लस F2 वेक्टर ठीक है। अगर इसको और ज़्यादा अच्छे से लिखोगे तो F1 की मैग्नीट्यूड 1 था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ F1 को मैं J कैप, और प्लस F2 को मैं लिख सकता हूँ 2i कैप ठीक है ना, तो 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस J कैप इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, दैट इज डी ऑप्शन सही है।